हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं न्यू ईयर ईव कुछ ही दिन में आने वाला है, तो मैंने थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि मुझे मालूम है आप लोगों ने भी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। मैंने एक छोटा सा गैदरिंग रखा है अपने बच्चों और उनके फ्रेंड्स के साथ, एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए अपने घर को डेकोरेट किया है, मैंने आउटडोर डेकोरेशन किया है, इसके लिए मैंने कैनोपी लगाया है और पूरे एरिया को मैंने फेस्टिव थीम में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि न्यू ईयर जो है वो अपने आप में एक फेस्टिवल से कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरीके से मना रही हूँ न्यू ईयर को। ये मेरे पास पिंक कर्टन है, एक है टिश्यू का और दूसरा प्लेन है। मेरे पुराने व्यूअर्स जो है उन्होंने इस कर्टन को अच्छे से देखा होगा, इसे मैंने कर्टन कलेक्शन में दिखाया था। तो मैं दोनों कर्टन को इकट्ठा करके सिल रही हूँ, जॉइंट कर रही हूँ इसे। अब मैं इन दोनों को हुला हूप में फिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जाए। ये देखिए मैंने सबको इकट्ठा करके हुला हूप में डाल दिया है। अब मैं इसे अपने गार्डन के कस्टर्ड एप्पल के ट्री में हैंग करने जा रही हूँ। इसे अच्छे से फिक्स कर लिया है मैंने। और अब इसे स्प्रेड कर दे रही हूँ चारों तरफ ताकि ये कैनोपी का शेप ले ले। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है डे लाइट में। अब इसके ऊपर मैं एक फोम बिछा रही हूँ जिससे कारपेट गंदा ना हो। ये काफी बड़ा एरिया है इसलिए मैं दो कारपेट लगाऊंगी। दूसरे कारपेट को भी मैं इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। ये मैंने एक DIY किया है, अल्फाबेट्स को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है इसमें। अब मैं ग्लू लगाकर इसके ऊपर ग्लिटर स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये थोड़ी शाइनिंग और कलरफुल हो जाए। ये देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे हैंग कर देते हैं इस पोर्शन में। अब सेटिंग के लिए मैंने एक चौकी का इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर रग बिछा लिया है और दोनों साइड में इजी चेयर रख देंगे और कॉर्नर में कुछ फ्लावर पॉट्स लगा लेंगे ताकि कलरफुल हो जाए। अब कुशन्स भी रख लिए हमने ताकि कंफर्टेबल भी हो जाए। बीच में एक सेंटर टेबल लगा लेंगे। सेंटर टेबल में मिरर का यूज कर रही हूँ ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे और बाकी एरिया जो है उसे भी एनहांस कर दे। ये कैंडल होल्डर्स है इसे मैं रख रही हूँ। साइड में ये DIY किया हुआ एक प्लांट है उसे भी रख लिया और इस कॉर्नर पे मैं पानी भरकर कैंडल जलाने वाली हूँ तो इस पॉट को रख लिया मैंने। और यहाँ पे कैंडल्स जलाना है तो उसे भी डेकोरेट कर लिया है और कुछ अरेका पाम्स के पौधे भी लगा लिए हैं। ये देखिए दिन में ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे इसलिए मैं आउटडोर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। दो चार ही बच्चे आने वाले हैं लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल करना अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये रात में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने कैंडल्स और लाइट्स ऑन कर लिए हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
चलिए सेंटर टेबल के कैंडल्स को भी हम लाइट कर लेते हैं। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है ये एरिया। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। जैसे जिंदगी में कलर मिल जाता है तो जिंदगी हसीन हो जाता है, वैसे ही ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है कलर के साथ। ऊपर के लैंप से मिरर पे रिफ्लेक्शन होने से बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये पर्दा भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सैंडलियर भी मैंने DIY किया है। अब फ्लोटिंग कैंडल्स की बारी आई। अब हम इसे जलाकर पानी में रख देते हैं। इस कॉर्नर पे हमने बॉनफायर का अरेंजमेंट किया हुआ है, बिल्कुल वेदर के अकॉर्डिंग। रात में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बच्चे कई घंटे बैठकर अपने गेम और न्यू ईयर ईव को एंजॉय कर पाएंगे। मैंने उन्हीं के लिए डेकोरेट किया है ताकि बच्चे इसे एंजॉय कर सके। मैं नॉर्मली अपने घर को थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेट करती हूँ और फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग भी मैं डेकोरेट करती हूँ। आपको मेरा आइडिया अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। हम सब अपने घरों को न्यू ईयर में सजा रहे हैं और सेलिब्रेट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैंने तो अपने घर को डेकोरेट कर लिया है न्यू ईयर के लिए। आने वाला साल हम सभी के लिए मंगलमय हो, मैं इसकी कामना करती हूँ। नए साल में हर कोई नया रेजोल्यूशन लेता है। आप क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर डे, बाय बाय।